हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं तेल। आप चाहे तो खिचड़ी नमक और हल्दी डाल के बना ले, उसके बाद भी आप इसे फ्राई कर सकते हो ऊपर से, लेकिन हम डायरेक्ट ही करेंगे, इसे काफ़ी टेस्टी बनता है ये खिचड़ी। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें हम हींग डाल देते हैं, हींग थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हमें थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है इसमें डाल के, और ये हम डाल देते हैं जीरा और करी पत्ता, इन सबको भी अच्छे से हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें सूखे लाल मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, और अदरक को हमने कट कर लिया है, प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज भी हमारा भुन गया है, थोड़ा सा ही हमें भूनना था, ज़्यादा नहीं। अब इसमें टमाटर हम ऐड कर देते हैं, और टमाटर के ऐड करने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि टमाटर गल जाए। इसी समय हम पूरा नमक डाल देंगे जितना हमें ज़रूरत है, और इसमें हम हल्दी डाल देंगे। अब इनको हम थोड़ा सा पका लेंगे। टमाटर हमारा थोड़ा सा पक गया है, बाकी टमाटर को जो है हम उसमें पकाएंगे, खिचड़ी के साथ सीटी लगा देंगे। और इसमें हम आलू डाल देंगे, दाल हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ही सुपर टेस्टी खिचड़ी बनके तैयार होगा। ये हम चावल भी इसमें डाल देंगे इसको। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी हमें ज़्यादा ही डालना है क्योंकि हमें इसे गीला रखना है। थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर हल्का सा, आप अपने हिसाब से जैसा आपको मिर्चा रखना हो तीखा वैसा रखें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इनसे हम करते हैं बंद कर देते हैं। अब इसमें हम दो तीन सीटी लगा लेंगे आराम से, ये अच्छे से घुल जाएगा। आप इसमें एक सीटी में भी पका सकते हैं, लेकिन दो तीन सीटी लगाने से होता ये है कि ये अच्छे से घुल जाता है आपस में। चलते हैं फिर। खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है, देख सकते हैं कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है। ये तो थोड़ा सा सूख ही जाता है खिचड़ी, इसके लिए हम इसमें डालते हैं गर्म करके पानी, और इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। खिचड़ी हमारी बन गई है, चलते हैं हम थाली लगा लेते हैं अपनी। आप भी इस तरह से खिचड़ी जरूर बनाइएगा। इसके साथ हमारा दही, और ये हो गया मिर्ची का अचार, और इसमें हम थोड़ा घी डाल देते हैं। आई होप कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आई होगी, यम्मी सा टेस्टी सा और खिचड़ी की रेसिपी। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू वाला।